संस्कृति का महोत्सव लोक रंग और इस विशेष चर्चा में हमारे साथ हैं मैनेजर पांडे जी जो कि वरिष्ठ साहित्यकार और आलोचक हैं। सुभाष कुशवाहा जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे जो कि इतिहासकार साहित्यकार और संस्कृति कर्मी हैं और इस आयोजन के केंद्र में हैं। मनोज कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि महासचिव हैं संस्कृति मंच के और हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजमोहन जो कि नीदरलैंड में रहते हैं और सरनामी भोजपुरी गायक हैं। दिनेश कुशवाहा जी भी जुड़ चुके हैं जो कि वर्षों से इस आयोजन में संचालन और केंद्रीय भूमिका में रहते हैं। तनवीर अख्तर जी जो कि बिहार इफ्टा के महासचिव हैं वो हमारे साथ हैं और रामजी यादव हैं जो कि पत्रकार और संस्कृति कर्मी हैं। तो बातचीत शुरू करेंगे मैनेजर जी के साथ। मैनेजर जी ये 15वां उत्सव जो कि लोक रंग का है इसमें तो आप पहले शामिल हो चुके हैं तो हमको ये बताइए कि हमको ये बताइए कि पूर्वांचल में जन संस्कृति की दृष्टि से अगर देखें तो इस महत्व का ये जो 15वां वर्ष है इसका महत्व आप किस तरह देखते हैं और खुद अपने इस आयोजन में शामिल होने के अनुभव। देखिए ऐसा है कि सुभाष जी का यह जो लोक महोत्सव है इसके समारोह में मैं शुरू से आ रहा हूं। बीच में तबीयत खराब होने के कारण और उसी क्रम में कोरोना का आफत आने के कारण दो तीन साल नहीं आ पाए, लेकिन इस साल चूंकि आप लोगों ने ऑनलाइन शुरू किया तो शामिल हो रहा हूं। मुझे सुभाष जी का यह कार्यक्रम हमेशा बहुत आकर्षित करता है क्योंकि जो लोक कलाएं हैं उस सब का इसमें सीधे मौलिक गायकों के माध्यम से सुनने का मौका मिलता है और वो सब हमारे पुराने परिचित लोग मेरे क्षेत्र के हैं, अगल बगल के हैं। तो इसलिए ये जो लोक रंग का कार्यक्रम है मुझे बहुत पसंद है और मैं इसकी बराबर तारीफ करता रहा हूँ। लिखा भी है इसके बारे में लोक रंग के आरंभिक एक दो अंकों, यही मुझे तत्काल इतना ही कहना। हाँ ये तो ठीक आपने कहा और हम भी इस बात के गवाह हैं कि आप इस श्रृंखला में इसका महत्वपूर्ण हिस्सा बनते रहे। अभी शायद जो हमारे सुनने वाले देखने वाले जो हमारे साथ जुड़े हैं मैनेजर जी ने जो कहा कि हम इसे ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं, असल में नहीं है ऐसा, ये इस साल ऑफलाइन ही होगा, यानी कि खुद जो मेला भूमि है वहां पर मेला लगाया जाएगा। कोरोना की वजह से 2 साल ये स्थगित रहा, इस साल ये ऑफलाइन होगा 14 और 15 अप्रैल को। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैनेजर जी आपने जो इस महोत्सव के महत्व के बारे में कहा। मैं चलूंगा तनवीर अख्तर के पास जो कि इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़े हैं और जो कि बिहार इप्टा के महासचिव हैं। तनवीर जी आपको कभी मौका मिला लोक रंग में जाने का, क्योंकि हमने देखा है कि शायद बिहार से और टीमें अलग अलग वर्षों में जाती रही। जी हाँ, ये मेरे लिए काफी सौभाग्य का विषय है कि व्यक्तिगत रूप से मैं 2 बार वहां गया 2 साल और हमारी कई टीमें समय समय पर जाती रही हैं और मेरा पहला अनुभव इतना शानदार है कि मैं उसकी चर्चा बराबर अपने इप्टा के साथियों के साथ करता हूँ कि जिस तरह से गांव का वातावरण जब हम लोग पहली बार गए कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे तो जब हम इन किए तो वहाँ जो तोरण द्वार और पेड़ों में लटका हुआ खूबसूरत सा बैनर और जो अनाज रखने की जगह है वो बहुत खूबसूरती से सजाई हुई है, पूरा लगता कि एक माहौल है कि पूरा गांव साफ सुथरा। और धीरे धीरे ये जानकारी मिलने लगी कि सबसे बड़ी चीज जो मुझे प्रभावित करती है वहाँ की जन भागीदारी जिस तरह से होती है वो काबिले तारीफ है। वहाँ का लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत जबरदस्त है और अभी जैसा आप लोग बता रहे थे कि देश भर में जो लोक संस्कृति है, लोक परंपराएं हैं,
उसका जो पूरा का पूरा वहाँ जो दर्शन होता है या लोग देखते हैं अपने कल्चर को अपनी संस्कृति को पहचानते हैं वो एक तो मत अजूबा है ही है, लेकिन ज्यादा मैं जोर दूंगा कि ऐसे आयोजन बहुत होते हैं, लेकिन इस आयोजन जो अलग है वो उस गांव में गांव की भागीदारी, वहां के छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक की भागीदारी, ये वास्तविक में अगर इसको कहें हम, यही जन सांस्कृतिक आंदोलन का रूप है। रूपरंग जो जो फेस्टिवल होता है लोकरंग का, वो एक्चुअली जन सांस्कृतिक आंदोलन का एक बहुत बड़ा प्रतीक के रूप में पूर्वांचल में उभर रहा है। और हमारे जैसे संगठनों को या जो और हमारे समान विचारधारा के संगठनों को निश्चित रूप से ऐसे आयोजन में सहयोग करना चाहिए, और उन्हें भी प्रयास करना चाहिए कि बिल्कुल गांव में जाकर के किस तरह से हम कर सकते हैं। ये लोक रंग ने अच्छा दिखलाया है, और इसका प्रयास छोटा सा हम लोगों ने एक बार जीरा देंग में भी किया था, और छोटा सा गांव है नरेंद्रपुर, 3 दिनों का भिखारी ठाकुर नाट्य समारोह किया था, वो ये प्रेरणा हमने लोक रंग से ही ली। तो निश्चित रूप से इस साल का कार्यक्रम सफल हो, और मैं अपनी व्यस्तता के कारण मैं इस समारोह में नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग की एक बड़ी यात्रा निकल रही है 2.5 एकड़ प्रेम की, 9 अप्रैल से लेकर के 22 मई तक, उसमें मैं बहुत व्यस्त हूँ, इसीलिए मैं ज्यादा बोल भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि रिहर्सल भी चल रहा है, आवाज भी आप सुन रहे हैं। जी जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तन्वी भाई, हम आपके पास लौटेंगे। और इस बीच जो हमारे साथ जुड़े हैं दूसरे श्रोता और दूसरे दर्शक, उनको हम बता दें कि इस वक्त हम जनचौक पर चर्चा कर रहे हैं लोक रंग की, जो कि पूर्वांचल में जन संस्कृति का एक महोत्सव है, और उसका ये 15वां साल है, और 14 और 15 अप्रैल को ये 2 साल के बाद कोरोना की वजह से 2 साल जो ये स्थगित रहा, उसके बाद ये एक बार फिर कुशीनगर जिले में फाजिल नगर के पास जोगिया जुनूबी पट्टी में बाकायदा ऑफलाइन आयोजित किया जाएगा। हमारे साथ सुभाष चंद्र कुशवाहा जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है, और हमें बड़ी खुशी है कि 2 साल के बाद एक बार फिर से हम लोग लोक रंग पर चर्चा करने के लिए और लोक रंग में शामिल होने के लिए, तो क्या तैयारियां हो रही हैं हमको बताइए। सबको नमस्कार, मैं थोड़ा विलम्ब से जुड़ पाया, मेरी मोबाइल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, और इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप सभी आदरणीय का मैं स्वागत करता हूँ कि इसमें जुड़े, और आप सब ने बहुत कुछ दिया है लोकरंग को, बहुत कुछ सहयोग किया है। प्रोफेसर मैनेजर पांडे जी तो लगातार आते रहे, 4-5 साल आए, और मैं तो अब भी चाह रहा था कि इस साल भी वो आए, लेकिन स्वास्थ्य के कारणों से वो लगातार कोरोना के बाद से थोड़ा सा आने में थोड़ा सा परेशानी होती है उन्हें, मैं जानता हूँ। और आप स्वयं इरफान जी लोकरंग को आपने जहां तक पहुंचाया है उसको अब मैं भूल नहीं सकता, और यहाँ पर तनवीर साहब भी हैं, प्रोफेसर दिनेश कुशवाहा जी भी हैं, रामजी यादव जी भी हैं, और नीदरलैंड से हमारे भाई राजमोहन जी हैं, सभी का बहुत योगदान रहा है लोकरंग को यहाँ तक पहुंचाने में। तो आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। लोकरंग देखिए, आप सभी लोग चूंकि गांव में हमारे नहीं रहते हैं, आप लोग मित्र हैं और बाहर से सहयोग करते हैं, अच्छा लगा सुनकर कि आप लोग की जो अपेक्षाएं थी 15 साल हमने पूरा किया, और इस साल भी लोकरंग की तैयारी लड़के कर रहे हैं, इस गर्मी के बावजूद भी, इस साल गर्मी ज्यादा है, लगभग उन्होंने सारा काम पूरा कर लिया है। अभी अभी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अब केवल थोड़ा सा काम मेरा बचा है और वो भी 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा, यानी समय से पूर्व, वो 1 हफ्ते पूर्व वो तैयारी कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि वो सभी लोग अपने को फ्री रखना चाह रहे हैं आयोजन के आसपास। वैसे काम कभी फ्री नहीं होता है, जब तक वो मंच पर चीजें आती नहीं है वो लगातार लगे रहेंगे, कर रहे हैं, होर्डिंग उन्होंने लगाया है, व्यापक प्रचार प्रसार किया है, और जैसा कि हमेशा वो करते हैं पोस्टर फोल्डर को गांव गांव में जाकर बांट रहे हैं, ये सारा काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, जो ऐसा आप सभी साथी कह रहे थे, तनवीर भाई भी कह रहे थे, खुशी तो थी मुझे भी लोकरंग के इस आयोजन को अभियान को चलाते हुए कि ये बेहतर और दीर्घजीवी बनेगा, 15 साल चला, लेकिन गांव का माहौल तेजी से बदल रहा है, बहुत तेजी से। वो गांव पुराने स्तर पर नहीं रहे, वो भाईचारा नहीं रहा, वो मानवता की
जो तस्वीरें गांव में मिलती थी वो नहीं है। तो मैं, हमारे साथी भी बड़े दुखी रह रहे हैं और हम लोग भी जो एक तरीके से जिस तरह से पहले गांव को हम लोग गांव में जाकर इस काम को करते थे, पता नहीं क्यों अब थोड़ी सी एक तरीके से निराशा भी महसूस हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी साथी जुड़े हैं, मैं समझता हूं कि बाकी आप सबके विचार मैं सुनना चाहूंगा, मैं इतना ही, धन्यवाद। हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी। और हम लोग तो हर साल लोक रंग में हमेशा कुछ नए रंग जुड़ते रहते हैं और जिसमें जो आपकी कोशिशें हैं उनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। और ये भी आपने खुद भी माना कि ये सब एक सामूहिक प्रयास से होता है। और इस सामूहिक प्रयासों में अगर दिनेश कुशवाहा जी का नाम न लिया जाए और वो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं, तो दिनेश जी हमको बताइए कि पिछले साल का मतलब जब हम पिछले साल गए थे तब तो आपकी कुछ तबीयत खराब थी, अभी आप स्वस्थ तो हैं और एक्साइटेड कितने हैं आप इस आयोजन में जाने को लेकर? देखिए, मेरी आवाज जा रही है जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो गुरुदेव, मैनेजर पांडे जी भी हैं, आप भी हैं, सारे लोग जो जुड़े हैं, सब जानते हैं कि तकरीबन हर वर्ष एक वर्ष छोड़कर इधर जब मैं कोरोना ग्रस्त हो गया था तो लोक रंग में नहीं गया, नहीं तो अनवरत में जाता रहता था और जाता रहूंगा जब तक होगा। मित्रों, पता नहीं जो भी हो, चाहे वहां जो सुविधा होती हो, लेकिन इतना दुर्निवार आकर्षण है लोक रंग का। और मैं भी पूरे देश में घूमता रहता हूं, मुझे कोई दूसरी कोई आयोजन समिति ऐसी नहीं है या कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जो लोक रंग जैसा होता हो। और ऐसी स्थिति में मैं बार बार मन में सोचता हूं कि हो सकता है कि ये बुढ़ौती आ रही है या कोई बात हो। एक बार मन में आता है कि लोक रंग में जाने में वहां तक जाने आने और वहां रहने में गर्मी के दिनों में असुविधा हो सकती है, ये हो सकती है, लेकिन जो वहां जाने पर जो सुख मिलता है, खास करके आज से 50 साल पहले जो चीजें लोक संस्कृति की, लोक गायन की, ये सारी चीजें लोक नृत्य की, पारंपरिक लोक नृत्यों की, लोक संगीत की, जो हमसे छूट गई थी, जो विलुप्त प्राय हो गई थी, उन सारी चीजों को लोक रंग ने एक एक करके इकट्ठा किया जहां मिली। अब तो वो धीरे धीरे, पहले केवल हिंदी क्षेत्रों में था, पूर्वांचल की टीमें आती थी, बिहार की टीम आती थी, अब मध्य प्रदेश राजस्थान होते 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 अब तो उसने एक अंतरराष्ट्रीय स्वरूप ले लिया है। तो मित्रों, जब ये शुरुआत हुई थी तो मुझे लगता था कि इसके आकर्षण के पीछे मेरा नॉस्टैल्जिया है, बचपन में जो हमने धुधका का नृत्य देखा है, जो गुड़ऊ नृत्य देखा है, जो फरी देखी है, जो इस तरह के कार्यक्रम देखे हैं। और इसके साथ क्योंकि लोक रंग के शुरुआत से ही इसका एक वैचारिक पक्ष जो है वो बहुत मजबूत है, और इस वैचारिकी के साथ ही इसका आयोजन शुरू हुआ था कि हमको कैसे ये जो सांस्कृतिक भड़ैती और जो फूहड़पन है उसके विरुद्ध एक जन संस्कृत की रचना करनी है, जन संस्कृत की तरफ इसको ले जाना है, लोक संस्कृत से जोड़ते हुए ले जाना है। अब जनवादी संस्कृति का निर्माण तो एक दिन में होगा नहीं, लेकिन जन संस्कृति की तरफ लोक संस्कृति से बढ़ने के कदम के पीछे हर वर्ष जो एक वैचारिक संगोष्ठी रखी जाती है, जिसमें आदरणीय मैनेजर पांडे जी ने एक बार कहा था कि सच तो लोक साहित्य ही है, नहीं तो रामचरितमानस से लेकर हनुमान चालीसा तक जितना साहित्य है सब पर लोक साहित्य। इस तरह की न जाने कितनी बातें हुई, कितनी बार इस वर्ष का हो चाहे अगले वर्षों के जो संगोष्ठी के जो विषय होते हैं उन विषयों पर ऐसी चर्चा होती है कि अगर उनका दस्तावेजीकरण हुआ होता, जैसा कि कोशिश करते हैं लोकरंग की पत्रिका में सुभाष जी, और
मुझे बोलने के ठीक पहले उनका ये कहना कि गाँव का माहौल बदल रहा है, हम सब लोग जानते हैं पूरे देश का माहौल बदल रहा है। इस देश में परंपरा और विकास का जो बाजा बजाया जा रहा है उसके पीछे जो घनघोर अपसंस्कृति का तांडव है ये सब हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब देश और जाति पूरी की पूरी अपने श्रम से अर्जित जो सबसे मूल्यवान चीज है संस्कृति, उसके विनष्टीकरण की तरफ देख रही है, एक ऐसा हमारा समाज आज ऐसे एक विपर्य खास दौर में पहुंच गया है, तो गांव भी उससे प्रभावित है, राजनीति तो संस्कृति को प्रभावित करती है। लेकिन आपकी हिम्मत की दाद देते हैं हम लोग सुभाष जी, आपके आपकी मेहनत की दाद देते हैं, आपके लगन की दाद देते हैं। लोक रंग आयोजन समिति के गांव में रहने वाले सारे साथियों को कल आपने देहाती टीम लिख दिया था, तो इस पर हमारे साथियों ने विरोध दर्ज किया कि नहीं नहीं ऐसा मत कहिए, अपर्णा ने लिखा था कि आप उन्हें ऐसा मत कहिए, देहाती मत कहिए, जितना काम वो करते हैं उतना बहुत पढ़े लिखे और साक्षर लोग नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में जब तक लोक रंग चलेगा हम लोग उसमें शामिल होते रहेंगे, और आपकी तरफ से चाहे जितने संघर्षों के रूप अलग अलग बदले, लेकिन इस तरह की बात जब होगी तो थोड़ा हम लोग भी निराश होंगे, क्योंकि दूसरा कोई आयोजक और दूसरा कोई गांव, गांव में गोष्ठी करना तक मुश्किल है साहब, तो गांव में इतना बड़ा आयोजन करना कितना कठिन है हम सब लोग जानते हैं। इसलिए वो क्या शेर है कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर हम सफर मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। तो जहां पर इरफान भाई से लेकर और राजमोहन जी तक, प्रोफेसर मैनेजर पांडे जैसे हम सफर हों, उस कारवां को आप चलाते रहिए जब तक चले। वैसे तो सारी की सारी चीजें दुनिया में न कोई मुक्ति संग्राम बहुत दिनों तक चलता है न कोई चीज, लेकिन अब तो लोक रंग एक आंदोलन हो गया है और उस आंदोलन के पीछे बहुत सारे सिपाही जुड़ गए हैं, तो अब तो इसको आपको चलाना ही होगा। धन्यवाद, मैं दूसरी बार अपनी और सब कोई बात कहूंगा, लेकिन अभी तो फिलहाल हम लोग बहुत जोश खरोश के साथ आ रहे हैं लोक रंग में, और उसी तरह से वो गर्मी हमारे लिए कोई, हम लोगों ने तो गर्मियों में बहुत सारी बारातें की हैं और बहुत ट्रेनिंग है गर्मियों में लोक संस्कृत के बीच रमने की, तो उसी जोश और होश के साथ आएंगे, और वैचार की जो हमारी है वो कहीं से प्रभावित नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि इस लोक संस्कृति को जन संस्कृति के रूप में परिवर्तित कर सकें, जनवादी संस्कृति के रूप में, वैज्ञानिक सोच के रूप में परिवर्तित कर सकें, और मेरा तो मन है एक बार पांडे जी को जरूर बुलाना है, एक बार उनको लेके आना है किसी न किसी तरह से, चाहे आप दिल्ली जाना पड़े तो दिल्ली जाके ले आएंगे, और हमारे सारे मित्र आ रहे हैं, तो आप बस हिम्मत मत हम लोगों का वो करिए कह करके कि बड़ा मुश्किल हो रहा है, ये चलता रहेगा। और एक चीज और बाकी मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि वो अब तो बल्कि ये जो 14-15 अप्रैल हो गया तो उसमें बाबा साहब अंबेडकर की तिथि भी जुड़ गई और स्वर्गीय जद्दू भगत जी की स्मृति की तिथि भी जुड़ गई, तो अब तो इसको और हम दूसरे वेग के साथ चलाएंगे। धन्यवाद जी। इरफान जी के मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो आगे बढ़ाते हैं इस सिलसिले को। राम जी यादव जी, आप लगातार जो है पिछले दिनों इस कार्यक्रम में शामिल होते रहे हैं और पिछले 14 सालों का आपने विकास देखा है। अगर कहें तो देखिये, पूर्वांचल जो है वैसे तो सांस्कृतिक रूप से कहिए तो भोजपुरी एक संस्कृति है उसके, लेकिन उसमें तमाम तरह की अश्लीलता, भूगढ़पन और जो चीजें आई है राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चित हुई है और उससे एक गलत मैसेज जाता है पूर्वांचल के लिहाज से, उसमें ये जो पूरा आयोजन है किस तरह से दखल दे रहा है, उसको चुनौती दे रहा है और एक नई संस्कृति जो जन संस्कृति है उसको जो है पैदा कर रहा है, कितना प्रभाव डाला है पिछले 14 आयोजनों के बाद। राम जी धन्यवाद। पिछले 4-5 सालों से मैं लगातार इस आयोजन से जुड़ा हुआ, और उस आयोजन से जुड़े होने का केवल एक उत्सव कारण नहीं है, बल्कि उसके भीतर जो विचार निहित है और जो एक
सबसे बड़ी चीज ये है कि समाज के भीतर जो अब संस्कृति है, जैसे मैं आपको बताऊं कि जब मैं दिल्ली से बॉम्बे गया और वहां से यहाँ बनारस फिर आया, तो मैंने देखा यहाँ जितने भी भोजपुरी के गाने हैं सब अश्लीलता से लबालब, मैंने कोई ऐसा गाना नहीं है जो दो अर्थी तीन अर्थी संवादों से न बना हो, और जहाँ स्त्री की यौनिकता को निशाना बनाया गया। जहाँ दूसरी चीज ये कि उसके साथ साथ आप देखिए कि मजदूर वर्ग का जो दुख दर्द है, जो किसानों का दुख दर्द है, वो गीतों से गायब है, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो बिल्कुल जिन पर बात हो सकती थी उन गीतों में भी वो गायब है। वो अब आप समझ लीजिए कि पांडे जी का बेटा हूँ, पटक के चुम्मा लेता हूँ, इस टाइप के गीत जो है बहुत लोकप्रिय हुए। उसके साथ साथ आप देखिए कि एक तरह खास तरह का उन्माद जो है संस्कृति के रूप में गाँव में परोसा गया, खासतौर से जो भोजपुरी स्पीकिंग बेल्ट है और पूर्वांचल की ही बात हो रही है, तो उसमें देखिए कि निरहुआ पाकिस्तान में या इस तरीके के तमाम सारे विषयों पर फिल्में बनी जो एक एक राष्ट्रवादी उन्माद भरती थी तमाम सारे लोगों के भीतर। तो वैसी चीजों के परक्स अगर हम देखते हैं, लोकरंग को देखते हैं, तो लोकरंग में सबसे बड़ी बात जो हमको एक आकर्षण पैदा करती है वो ये है कि उन पुराने संस्कृति रूपों और लोक प्रदर्शनकारी कलाओं के भीतर जो जनमानस है और जो जनता की बात है। जैसे बहुत प्रचलित गीत एक है, झापस पेड़वा छिवलियन पतवन झापस, ये गाना गोरखपुर रीजन का है और लगभग कई मैंने बाउंड्रीज को पार करके धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोकगीत हैं। अब जैसे आप देखिए कि लोकरंग में मैंने पहली बार बहुत दिनों के बाद जैसे बचपन में सुनते थे कहवां से आवे राधा गोरी पड़ेल चीर चीर गुनिया, अब वहाँ उस धुन को लेकर मैंने देखा क्रांतिकारी इस्तेमाल क्या हुआ, जो कि तमाम सारे संगठनों में ये गीत होता था और दूसरी जगहों पर होता था, वो जो है वहाँ कि कहवां से आवे पलटनिया हिरेला झकझोर दुनिया, और इस तरीके की बहुत सारी चीजें जिसमें अर्थव्यवस्था का सवाल है, जिसमें सामाजिक विभाजन के विरुद्ध जो है जनमानस का एक जो निर्माण हो रहा है उसका सवाल है। तो ये तमाम सारी ऐसी चीजें थी जो लोकरंग को सारे कार्यक्रमों से अलहदा कर दी, क्योंकि लोक को लेकर सरकार ने भी मैंने भारत सरकार ने बहुत बड़ा काम किया संगीत नाटक अकादमी और दूसरे माध्यमों से, लेकिन उन्होंने उसके प्रकार्यात्मक रूप को वो पकड़ने की कोशिश की है। सुभाष जी का जो आयोजन है लोकरंग, उसमें एक रेडिकल किस्म की जो पूरी भावना है, जो सोच है, उसने मैंने जितने ज्यादा से ज्यादा गाँव में उतर सकते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा दूर तक लोगों और कलाकारों को पकड़ सकते हैं उनको वे ले आते हैं। और कई बार मैंने यह देखा, ये बहुत सचेत और बहुत सुचिंतित जो उनका पूरा उपक्रम है कि पहले ही लोगों से ये देखते हैं कि आप जो यहाँ प्रस्तुत करने वाले हैं वे क्या हैं, वो चीजें क्या हैं, क्योंकि हम केवल गाँव में नाच गाना नहीं परोस रहे बल्कि हम उसके बहाने लोगों के भीतर जो इंसानी भावनाओं का और उनके भीतर जो एक इंसानियत का जो वो मेयार है उसको हम ऊंचा उठाना चाहते हैं। दूसरी चीज, उनको किसी भी तरीके से वो ऐसे ऐसी दिशा में नहीं ले जाना चाहते हैं जहाँ संस्कृति के कारण से वो फिर से उसी गर्त में जाएं। जैसे अगर आप ध्यान दीजिए तो पूरा भारत लगभग जो है दो तरह से सांस्कृतिक ढांचों में बटा हुआ है। एक उसका मनुवादी रूप है जो परलोक की बात करता है, जो देवताओं की बात करता है, जो तमाम सारी ऐसी और जो जाति विभाजन में एक श्रेष्ठता की बात करता है, लेकिन एक जो है लोक है। जैसे हम एक उदाहरण के रूप में कहूँ तो उस लोक को इस रूप में भी देखा जाना चाहिए, जैसे गोदान में गोबर के शहर से लौटने के बाद एक चमरुआ नाच जो है वहां होता है। चमरुआ नाच अस्तित्व से गायब हो चुका है, उस तरह से समाज बदल गया है कि वो नहीं होता, लेकिन आप देखिए उसमें यह है कि बाद में जब वो गोबर ये कह रहा है कि एक रुपए बड़ी मालकिन को, बड़ी ठकुराइन को पान खाने के लिए, एक रुपए छोटी ठकुराइन को, एक रुपए उनकी उनका नजराना, एक रुपए उनका, वो पांच रुपए देता है सब काट कर, तब वो जो बैंक है उसमें तो वो कह रहा है एक रुपए जो बचेगा वो ठाकुर साहब के कफन के लिए। ये जो ताकत है, और ऐसे में देखता हूँ कि हर जाति की कला में कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं जो एक सोशल हायरार्की को के खिलाफ जो है वो एक नैरेटिव रचती हैं। ऐसी चीजें लोकरंग में जो आई तो वो एक विशिष्ट तरीके से उसको एक दर्जा प्रदान करती हैं, और ये निश्चित रूप से सुभाष जी
के निजी उपक्रम से शुरू हुआ, लेकिन वो धीरे धीरे उस गांव की बल्कि उन तमाम सारे मित्रों और सहभागियों का भी आयोजन बनता जा रहा है, बनता गया। अब चीजें इस तरीके की हो रही हैं कि पूरा देश बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, जो चीजें हम पहले देखते थे कि सांस्कृतिक रूप से भी सोचते हुए जिन चीजों को बचाने की हम कोशिश करते थे, अब लगता है कि क्रांतिकारी रूप से और मार्क्सवादी तरीके से अगर हम देखें तो उसको बचाने की जरूरत नहीं, उसको टूट जाना चाहिए। देश बदल रहा है और देश इस रूप में तो बदल ही रहा है कि तमाम सारी उन्मादकारी मॉब लिंचिंग वाली और फासिस्ट ताकतें राम के नाम पर, जैसे राम के नाम पर जो है लोगों को परगला रही है, लोगों के दिमाग में जहर भर रही है, लेकिन उसके साथ साथ प्रतिरोध की एक संस्कृति भी चल रही है। लोग सोच रहे हैं, लोग जान रहे हैं कि ये गलत है और उस गलत के विरुद्ध अपनी चीजों को चुनने का उनमें एक एक चेतना आ रही है। और मुझे लगता है जहां इस चेतना की शुरुआत होती है लोकरंग वहां एक बड़ी भूमिका निभाता है। लोकरंग का जो एक उसकी सीमा है कि वो एक गांव में होता है लेकिन उसकी धमक तो बहुत दूर तक है। अब अगर इस समय तमाम सारे सचेत लोग अपने अपने गांव में लोकरंग की तरह दो दिन का नहीं एक ही दिन का आयोजन करें और तमाम सारे लोगों को बुलाएं तो यह परंपरा बड़ी बन सकती है और इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है इस समय भारत में। तो मैं समझता हूँ इस रूप में मैं उसमें सहभागी रहा हूँ और रहूंगा और आगे जो भी मेरी भूमिका बनेगी उसको भी करूंगा। धन्यवाद। बिल्कुल, आपने जो एक बड़ा फलक दे दिया बातचीत को और जो वैचारिक परिप्रेक्ष्य है और जो पूर्वांचल की अपनी जो है सांस्कृतिक है उसमें लोक रंग कितनी बड़ी भागीदारी निभा रहा है, भूमिका निभा रहा है, चुनौती देने में इस तरफ आपने चिन्हित किया है इस भूमिका को। हाँ राजमोहन जी, आप नीदरलैंड से आते हैं, क्या चीजें आपको जो यहाँ खींच के आती है, चले आते हैं पहले आ गए हैं और पूरे आयोजन में आप दिक्कत करेंगे, कोई पहली बार नहीं और आप की तो क्या चीज है जो यहाँ की मिट्टी आपको, क्या चीज है? देखिए मैं सबसे पहले तो आप सभी को नमस्ते कहता हूँ, सुभाष भाई को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि इतना मेहनत से 15 साल तक होने को आया है ये आयोजन इस पैमाने पे कर रहे हैं कि मैं तो खैर मैं कलाकार हूँ, मेरा काम है ये, बहुत फेस्टिवल्स महोत्सव मैंने देखा है दुनिया में, लोकरंग जैसे तो नहीं देखा है। और मैं उसमें एक बात कहना चाहूंगा लोकरंग के, जो मुझे सबसे ज्यादा मुझे याद है अभी फर्स्ट टाइम जब मैं आया वहां, कि इनका जो पंक्चुअलिटी है ना, मतलब एक एक मिनट का हिसाब रखते हैं सुभाष भाई अपने पूरा टीम के साथ, कल मतलब एकदम प्रोफेशनल तरीके से, जैसे बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं हमारे यहाँ और मुंबई में दिल्ली में है, उसके मुकाबले में लोकरंग महोत्सव आता है। वो पहले सबसे पहले कहना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छे तरीके से ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। उससे पहले जो बात है कि 2016 की बात मैं कहूँगा, आप पूछ रहे थे कि मैं क्या है लोकरंग में ऐसे कि मैं बार बार आता हूँ। 2016 में 11 मई को अभी मैं देख रहा था, इरफान भाई ने मुझे अप्रोच किया, न्योता दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, हमारे एक मित्र है, ऐसे एक महोत्सव वहां बनाते हैं, हम चाहते हैं कि आप यहाँ आए और अपना प्रोग्राम प्रस्तुत करें। मैंने उनसे कहा कि देखिए ऐसा है कि आप जरा बताइएगा, हम आना तो चाहेंगे, बताइएगा विस्तार के रूप में कि क्या है, कैसा फेस्टिवल है ये। तो उन्होंने बताया कि लोक फेस्टिवल है और उसमें एक सोशल एस्पेक्ट है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। सोशल एस्पेक्ट मतलब कि वेमन राइट्स के लिए बातचीत होती है वहाँ पे, माइनॉरिटीज जो दबाया जाता है, वो मुसलमान हो, वो दलित हो, वो कोई भी हो, उसके बारे में जिक्र किया जाता है, डिस्कशन चलता है, पत्रकारों को बताया जाता है। तो वो जो शायद इसको आंदोलन कहते हो आप, आई डोंट नो, मुझे भाषा के लिए थोड़ा माफी चाहूंगा, मैं वो शब्द ढूंढ रहा हूँ,
तो ये सब बातें जो है एक वो लोक कला, हालांकि मैं लोक गीत तो नहीं गाता हूँ, गाता हूँ नमूने के तौर पे, वो जो मैंने जिसे मैंने किया लोकरंग महोत्सव पे और करता रहता हूँ। हमारा म्यूजिक थोड़ा अलग है, भोजपुरी से जुड़ा हुआ है। अभी आपने राम जी ने बताया वहाँ की स्थिति के बारे में, जो भोजपुरी गीतों ने बिगाड़ रखा है, वो जो फिल्म है और प्राइवेट एल्बम्स, ये बात मुझे पता है और मैं इसके बेहद खिलाफ हूँ। और धीरे धीरे जैसे मेरा गाना है धीरे धीरे फैल रहा है, लोग जानकारी लेते हैं इससे, जैसे अच्छे अच्छे मतलब बड़े बड़े कलाकार भी आजकल सुन रहे हैं हमारे गाने। पंकज त्रिपाठी, पंकज भाई भी हमारा फैन है, वो भी सुनते हैं। मनोज वाजपेयी जैसे लोग ये गाने सुनते हैं और उसका मतलब एक नमूना देता है कि देखो अगर गाना हो भोजपुरी में, मॉडर्न कॉन्टेम्पररी गीत हो तो ऐसे होना चाहिए। तो 2016 में जब इरफान भाई ने हमको न्योता दिया तो थोड़ा डाउट हुआ मुझे कि करूं ना करूं, क्योंकि फिर उतना दूर का रास्ता है, आई डोंट नो पॉसिबल होगा भी कि नहीं। तो इनसे मैंने कहा कि देखो मैं देखता हूं सरकार से हमारा यहाँ पे भी हॉलैंड में कुछ सहायता है। तो ऐसे करके 2-3 हफ्ते बाद मैंने उनको कहा कि हम आएंगे। तो जब पहुंचा वहां और वो ऑर्गेनाइजेशन देखा किस तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है, और वो जो सोशल एस्पेक्ट है जहाँ पे वुमन राइट्स और माइनॉरिटीज के लिए कहा जाता है, उनके हक के लिए और एजुकेशन के बारे में बताया जाता है, नॉट ओनली म्यूजिक और डांस और नाटक होता है बिल्कुल, मगर डिस्कशन भी चलता है सोशल टॉपिक्स पे, तो मैं बेहद इम्प्रेस था और अभी तक हूँ। अब मुझे पता चल रहा है कि स्थिति थोड़ा बदल रहा है, अभी सुभाष भाई ने बताया, ठीक है शायद हाँ बदल रहा होगा, मगर हम छोड़ने वाले नहीं हैं और हम भी आपके हाथ भी नहीं छोड़ने वाले, हम आपके साथ हैं। जैसे राम जी ने अभी कहा, कुशवाहा भाई ने अभी जो बताया कि देखिए हमको हिम्मत नहीं हारना है, हम आपके साथ हैं। सुभाष भाई ने कुछ 2 साल बाद मेरे ख्याल से, नहीं 1 साल बाद जब हम वहाँ प्रोग्राम किए 2017 में, तो सुभाष भाई ने कहा कि उनका एक अरमान है था कि वहाँ गिरमिटिया देशों से डायस्पोरा से कलाकारों को बुलाया जाए वहाँ, क्या उसमें मैं उनका हेल्प कर सकता हूँ कि नहीं। तो फिर ऐसे करके साथ मिलकर हमने कुछ अलग अलग देशों से, मॉरिशियस, सुरीनाम, गयाना, त्रिनिदाद, नेदरलैंड से, न्यूयॉर्क से लोग आए वहाँ परफॉर्म किया, आपने देखे होंगे। तो हम वहाँ नेदरलैंड्स में भी एक लोक रंग का कर रहे हैं, छोटा छोटे रूप में, मगर बहुत लोग उसको बहुत लोग तक वो उसका संदेशा पहुँचता है कि लोक रंग महोत्सव यहाँ पे जोगिया जनूबी पट्टी में हर साल होता है। तो मैं लोगों को वहाँ बताता भी हूँ अपने प्रोग्राम्स में, जो कॉन्सर्ट्स है उसमें भी इसका चर्चा करता हूँ ताकि लोगों को पता चले। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए एक बात और कहना चाहूँगा कि 2017 में जब मैं आया, डिसाइड किया कि दो संगीतकारों को लेकर सूरज शिवलाल और पवन मारे को साथ में लेकर हम जब आए, तो ना ही सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन मुझे अच्छा लगा, वो उनका पंक्चुअलिटी सब कुछ, चाहे वो पोस्टर हो चाहे वो पेंटिंग हो, हर बात में आप देख सकते हैं कि उसमें बहुत ही ध्यान से और प्यार से काम किया हुआ है। तो इन सब बातों से मैं बहुत इम्प्रेस था और हूँ। मैं एक्चुअली हम ये भी कहेंगे सुभाष भाई, शायद मैंने आपको पहले बताया भी नहीं, इरफान भाई आपसे भी नहीं, कि एक्चुअली मेरा जो इंडिया का करियर शुरू हुआ है वो लोकरंग से ही शुरू हुआ है, क्योंकि लोकरंग से मुझे वो आइडिया आया कि चलो अगर लोकरंग मैं जा ही रहा हूँ तो उसमें एक टूर ऐड कर दूँ। तो फिर पटना में, दिल्ली में हमने प्रोग्राम किया, कोई कोई 5-6 कॉन्सर्ट हमने किए। और तो लोकरंग एक्चुअली वो रीज़न था, वो क्या कहते हैं रीज़न के हिंदी में मुझे नहीं पता, वही एक लोकरंग एक जड़ थी हमारे इंडिया का, जो क्या कहते हैं इंडिया में जो थोड़ा बहुत हमने
बनाया है एक सर्कल अपना, वो लोकरंग से ही शुरू हुआ है। तो मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूंगा कि जो जिस तरीके से हमने देखा है कि आप गांव वालों के साथ मिलकर, यही नहीं कही कि प्रोफेशनल्स को यहां से उठा के वहां से उठा के, खैर वो भी आसान नहीं है मगर इट्स इजियर, आप सब लोगों से मिल करके वहां पे ये कार्य करते हो हर साल, इसके लिए तो मैं आपको बधाई नहीं मगर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट बनाना चाहूंगा कि ये मैंने कभी नहीं देखा, कहीं पे भी नहीं देखा है। और जिस तरीके से आप सबको सबसे मिलकर एक तरह के ट्रेनिंग भी आप उनको देते हो कि कैसे इसको एक प्रोफेशनल तरीके से, इतना बड़ा फेस्टिवल जहां 4-5 हजार लोग एक रात को आते हैं, करना चाहिए, वो हमने देखा है, गौर से देखा है। और एज अ प्रोफेशनल परफॉर्मिंग आर्टिस्ट इंटरनेशनल, मैं ये कहूंगा कि ये किसी भी इंटरनेशनल फेस्टिवल से कम नहीं है। तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा और मुझे आशा उम्मीद है कि लोकरंग रहेगा और जितना भी हो सकेगा मैं और हमारे जितना जो मुझसे जुड़े हुए हैं नेदरलैंड्स में और भी दुनिया में हर जगह, उसमें आपका सहायता जरूर देंगे, यही कहना चाहूंगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद राजमोहन जी, बिल्कुल आपने सही स्पिरिट को पकड़ा और शायद एक बार जो भी लोकरंग में शामिल हो जाता है उसको यही बात बहुत आकर्षित करती रहती है, यहाँ की जो विविधता है, आयोजन का जो एक ऑर्गेनिक स्वरूप है वो इसको बहुत ही विशिष्ट बनाता है। हम लोग अब कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में पहुंचे हैं, हमारे वो दर्शक जो हमारे साथ देर से जुड़े हैं उनको हम बता दें कि 15वां लोकरंग 14 और 15 अप्रैल को कुशीनगर के फाजिल नगर के पास जोगिया जुनूबी पट्टी में होगा। अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। और यहाँ पर जो हो रही हैं चर्चाएं, उनमें जो बातें हो रही हैं पिछले लोकरंग महोत्सवों की, अगर उनकी रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर लिखिए लोकरंग 2014, लोकरंग 2015, लोकरंग 2017, ऐसे करके आपको रिपोर्टें मिलेंगी जो हम सीधे तौर पर लोकरंग में शामिल होते हुए यहाँ से बनाकर जारी करते रहे हैं। तो आखिर में हम सुभाष जी से जरूर दो शब्द सुनना चाहेंगे और कार्यक्रम अंत करें, उससे पहले आपको याद दिला दें जनचौक बिल्कुल आपके समर्थन से चलता है और इसको आपके सहयोग की, आपके समर्थन की निरंतर आवश्यकता है। आप जिस रूप में भी जनचौक को सहयोग करना चाहते हैं, यहाँ नीचे दिए हुए विवरण पे आप हमारे UPI ID पर हमारे बैंक डिटेल्स को लेकर आप इसमें छोटी से लेकर बड़ी राशि तक इसमें दे सकते हैं और इसके अलावा धन के अलावा और दूसरे समर्थन भी आपकी दरकार रहेगी। तो सुभाष जी, हम लोग कार्यक्रम समाप्त करें उससे पहले आप दो शब्द और कहिए इस आयोजन के बारे में। हालांकि शुरू में आपने थोड़ी चिंताजनक बात जरूर कही कि देश में जिस तरह का एक नफरत का माहौल बना है उसमें इस तरह की सांस्कृतिक आयोजन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती तो है ही। सुभाष जी। धन्यवाद इरफान भाई, मैं सभी साथियों को नमस्कार करता हूं, उनको उनके द्वारा जो आज सहयोग देने की और जिस तरीके से हौसला अफजाई के दो शब्द कहे गए सबका मैं स्वागत करता हूं, सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। कोशिश रहेगी, हम लोग हार नहीं मानने वाले हैं, कोशिश रहेगी कि हम अपने आयोजन को बेहतर तरीके से करते रहें और अपन अंतिम दम तक हम करने की कोशिश करेंगे, बेहतर ढंग से करने की कोशिश करेंगे। और आप सबका जो सहयोग मिल रहा है यही हमारी निधि है, यही हमारी एक तरीके से हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है। और खास करके जो आप सब जैसे दिनेश कुशवाहा जी जिस तरह से इस लोकरंग को संचालित कर रहे हैं और इरफान भाई ने जिस तरह इसको ऊंचाई दिया है, राजमोहन जी नीदरलैंड से चले आते हैं गर्मी में और रहते हैं गांव में, उनका जो प्यार है लोकरंग का वो मैं आज याद कर रहा हूँ और लगातार याद करता हूँ, गांव के बच्चे याद करते हैं। प्रोफेसर मैनेजर पांडे जी को एक बार पुनः लाने की जो इच्छा है वो हम लोग की लगातार है, इसलिए हर साल मैं बहुत पहले ही बात करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो निराश नहीं करेंगे और जब तक हम लोगों का ये आयोजन हो रहा है वो एक बार और सहयोग देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ, सबको आभार व्यक्त करता हूँ। और लोकरंग हमारा 2022 निश्चय ही थोड़ा सा विषम परिस्थितियों में बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज हो रहा है, आप आइए, आप सभी आइए, मुझे खुशी होगी, ऊर्जा मिलेगी। धन्यवाद साथी।
वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी इस आयोजन में जो हमारी जनचौक की आज की इस परिचर्चा पूर्वांचल में जन संस्कृति का महोत्सव लोकरंग उसमें शामिल थे मैनेजर पांडे जी, सुभाष चंद कुशवाहा जी जो कि इस आयोजन के केंद्र में हैं, इसके अलावा राजमोहन जी जो कि नीदरलैंड से आए हुए सरनामी भोजपुरी गायक हैं, दिनेश कुशवाहा जी जो कि इस कार्यक्रम के नियमित संचालक हैं, तनवीर अख्तर थे हमारे साथ जो कि महासचिव हैं इप्टा बिहार के, और रामजी यादव जो कि पत्रकार और संस्कृति कर्मी हैं। आप सभी परिचर्चा में शामिल सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, और जनचौक की ओर से एक बार फिर हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप लोकरंग में शामिल हों। आप सभी का बहुत आभार कि आप इस परिचर्चा में शामिल हुए, और आप सभी का बहुत आभार जो आप इस परिचर्चा को देखने सुनने के लिए शामिल हुए। अगली किसी परिचर्चा के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते।